नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं द ट्रू वॉइस ऑफ इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पर। देश में किसान आंदोलन चल रहा है और अगर किसान रोड पे उतरा है तो जाहिर सी बात है केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उसमें कुछ ना कुछ खामियां होंगी। इसमें कोई भी दो बातें नहीं है और इसमें कोई भी दो राय नहीं है। जाहिर सी बात है किसान सैकड़ों किलोमीटर दूर चल के अगर आंदोलन कर रहा है रोड पर तो केंद्र की लाई गई जो बिल नीतियां हैं उसमें कुछ खामियां होंगी। एक तरफ सरकार 2022 तक किसानों की आय को दोगुने की बात करती है और दूसरी तरफ उनके जो अनाज है, जो फसल है, उसको उसके दाम को पूरी तरह से पुख्ता करने का सबूत भी नहीं देती है। एक कार्ड थमा देती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, जो उसका बाहरी बाजार से कोई भी नाता नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, ये है टमाटर, ये है गोभी और ठीक उसकी दूसरी तरफ जिसके प्राइस हैं उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये है 5 रुपए वाला पेन, है सरकार में दम कि इसको 4 रुपए में खरीद कर दिखाए। पिक्चर अभी बाकी है, इस वीडियो को आप पूरी तरीके से देखिएगा वरना MSP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, MSP है, आप उसको समझने में बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। यह ब्लैक पेन ये भी 5 रुपए का है, यह फेयर एंड लवली 5 रुपए का है, ये मेरा मार्कर है 25 रुपए का, इस पर दाम भी है और ये जो लाइट है इसका दाम है 85 रुपए, आप इसको कम नहीं करा सकते। अब हम बात करते हैं जो MSP है उस मुद्दे को लेकर के, आखिर MSP का जो मुद्दा है वो आखिर है क्या, किसान क्या चाहते हैं और MSP पे आखिर है क्या। मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर आपको नहीं पता है तो चुल्लू भर पानी में जाकर के डूब मरिए, क्योंकि किसान देश का 70% किसान जो है, 70% आबादी जो है देश में वो कृषि प्रधान पर निर्भर है और कृषि करती है। मेरा सवाल केंद्र सरकार से ये है, अगर आपके मिनिमम सपोर्ट प्राइस में इतने अच्छे दाम मिलते हैं तो देश का लगभग 94% जो किसान है, 94% जो किसान है जो अन्न उगाता है और कृषि और खेती किसानी करता है वो बाहरी बाजारों में क्यों जाता है, MSP में क्यों नहीं आता, आपकी सरकारी मंडियों में अनाज बेचने क्यों नहीं आता। देश का केवल 70% किसानों में केवल 6% ऐसी आबादी है किसानों की जो केवल मिनिमम सपोर्ट प्राइस में अनाज बेचने जाती है। इसका रीजन है, सबसे बड़ा कारण ये है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस समर्थन न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार तय करती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय खाद्य निगम की एक आयोग है CACP होती है, कृषि खाद्य और मूल्य आयोग, ये दाम करती है सहकारी मंडियों में कि किस भाव से किसानों के अनाज को खरीदा जाएगा। ये CACP पर देश का लगभग 70% जो किसान आबादी है उसमें से केवल 6% किसान जो है MSP पर अपने अनाज बेचने जाते हैं। सवाल सरकार के पास ये जवाब नहीं है कि आखिर इसका सबसे बड़ा रीजन है, मैं आपको बताता हूं। दूसरी चीजें NCERB की रिपोर्ट देखेंगे उसमें तो लगभग देश का 42,480 किसान जो फार्मर हैं 2019 में उन्होंने सुसाइड करे थे, और क्यों करे थे इसके पास भी सरकार का जवाब नहीं है। किसी को भी सुसाइड करने की जो है ना शौक बिल्कुल भी नहीं चढ़ा होता है, लेकिन किसान अपने हक के अधिकार के अपने अन्न का जो है उसका मूल्य मांगने अगर रोड पर उतरता है तो सरकार उसको ये कहती है कि NCERB जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो कभी खत्म नहीं होगा। वो खत्म कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। सरकार ने जो नीतियाँ लाई थी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो खत्म नहीं होगा, लेकिन वो खत्म होगा, किसानों का कहना बिल्कुल सही है, बाजार भी खत्म होगा। वो किस तरीके से होगा आप मुझे एक बात बताइए, आप जब अगर दुकान पर जाते हैं अगर आपको ये पेन लेना होता है तो आप इसको 5 रुपए में खरीदते हैं, आप उसको 4.5 रुपए या 4 रुपए में बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते, ऐसा है। लेकिन जब आप इस टमाटर को खरीदने बाजार में जाते हैं अगर ये 15 रुपए किलो है तो आपको 10 रुपए किलो भी मिल जाएगा, 14 रुपए किलो भी मिल जाएगा। ठीक यही हाल है MSP का। MSP ऐसा कोई मूल्य नहीं है जिस पर कोई खरीदने जाए, MSP पर जाए तो वहां पर मिल सकता है, लेकिन बाहरी बाजारों में अगर किसान जाता है वो जाने का मजबूरी भी मैं आपको बताऊंगा, तो उसको अड़ती जो है दलाल हैं उनको मजबूर किया जाता है कि आप इसके ज़्यादा नहीं दे सकते और उसको दाम भी वो नहीं मिलता, और इसलिए देश का लगभग 94% जो किसान जो है वो MSP पर नहीं बेचता है बल्कि बाहर बेचता है मजबूरी के कारण। जब ये किसान MSP में अपने अनाज लेकर जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ MSP के अधिकारियों द्वारा बोला जाता है कि ये है, ये कच्चा अनाज है, इसमें भूसा है, इसमें साफ सफाई नहीं है, वो किसान क्या करे।
फिर उसको किसान घर से लाता है, फिर लेकर जाता है, फिर वही एमएसपी अधिकारी बोलते हैं इसमें अच्छे अनाज नहीं है, अच्छे नहीं दिख रहे हैं, इसकी क्वालिटी नहीं है, हम एमएसपी पे इतने नहीं दे सकते। वो किसान बार बार एमएसपी के मूल्यों के लिए जाने के लिए वो नहीं जा सकता, इसलिए वो क्या करता है कि बाहरी मार्केट में अगर एमएसपी में अगर 20 रुपये किलो है तो बाहरी मार्केट में 18 रुपये किलो में बेचता है। और वो बेचता भी किसको है, एमएसपी के जो जितने अधिकारी हैं, दलाल हैं, वो दलाल आकर के किसानों से लेकर के वही अनाज अपने मंडियों में ले जा करके इकट्ठा कर देते हैं। जो ये कहते हैं कि जगह नहीं है, ये गंदी है और इसमें भूसा है, इसमें साफ सफाई नहीं है, इसको जाकर फिर से लाओ और उसको वापस आना पड़ता है, और उसके दलाल जो होते हैं फिर से उसी अनाज को कम दामों में खरीद करके उसमें अपने नोटिस करवा लेते हैं और पैसा जो रुपये हों उसमें से खींच लेते हैं। आपको ये बात मैं बेहतर समझाता हूँ किस तरीके से होता है। मान लीजिए कि 20 रुपये वहाँ पर एमएसपी है, 18 रुपये किसी तरीके से मजबूर करके बाहरी मंडियों में वो किसान ने बेचा, और किसको बेचा, वो दलाल को, 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उसको फायदा हुआ। वो 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वही दलाल उस एमएसपी वाली मंडी को बेच देगा। 2 रुपये प्रति किलो हिसाब से 1 रुपये का अगर 20 रुपये किलो है, 20 रुपये है तो 20 रुपये चढ़ाएगा, 1 किलो के हिसाब से 2 रुपये उसके जेब में आएंगे। इस तरीके से हमारे देश के किसान जो है पूरी तरीके से लगभग 94% बाहरी मंडियों में बेचते हैं। इस चीज़ का क्या मात्रा है, अगर किसान अगर ये कह रहा है कि अगर आपने एमएसपी लाई है, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य एनएसपी लाई है, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य लाया है, लेकिन ये तय नहीं करता कि एमएसपी के मूल्य पर अगर कोई भी अनाज अगर बाहरी मंडियों में बेचा जाता है तो हम क्या करें, इसका कोई भी नियम नहीं है। और सरकार जो अभी है उसका इसी के लिए विरोध हो रहा है कि एमएसपी जो आपने लाया है उसका एक नियम कानून बनना चाहिए कि एमएसपी से अगर कम दाम में अगर बाहरी बाजारों में अगर बिकता है तो उस पर हम कानूनी तरीके से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और यही कारण है एमएसपी पर एक तरीके से अनाज सही टाइम पर लेंगे नहीं, किसान प्रताड़ित होकर और हैरान होकर इसको बाहरी मंडियों में मजबूरन बेचना पड़ता है और कम दाम पर बेचना पड़ता है। और आप बात करते हैं 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की, ये असंभव है, बिल्कुल भी नहीं है। जो बिल लाया गया पूरी तरीके से स्वतंत्र है, वो मानता हूँ सही है, लेकिन स्वतंत्र कैसे है, स्वतंत्र भी उसको पूरी अच्छी तरीके से दाम नहीं मिल पाता, और इसलिए किसान जो होता है एमएसपी पर नहीं जाता क्योंकि वहाँ पर लापरवाहियाँ बरती जाती हैं। देश का किसान लगभग 94% आखिर एमएसपी से नहीं बल्कि बाहरी मंडियों में आखिर क्यों बेचता है, बताइए, आपके पास इसका जवाब नहीं है। एनसीईआरटी की डाटा ये कहती है कि लगभग 42,480 जो है 2019 के डाटा में किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, किसी को आत्महत्या करने का शौक नहीं चढ़ा है। और जिस प्रकार से सरकार आज किसान के साथ असंवेदनशील व्यवहार कर रही है तो आने वाले समय में वो बिल्कुल भी दिख जाएगा, क्योंकि सरकार अब बिल्कुल उतर चुका है सरकार के विरोध में। अब ये बातें साफ हो चुकी है कि जो एमएसपी की बातें कह रहे हैं कि वो खत्म नहीं होगा, वो कैसे खत्म नहीं होगा वो मैं बताता हूँ, और खत्म कैसे होगा वो देखिए। अगर मान लीजिए कि एमएसपी जिसने बनाया, बाजार भाव में एमएसपी का कोई मूल्य ही नहीं है, बाजार भाव में जो अड़ती हैं, जो दलाली हैं, वो ये कहते हैं कि आप वो बेच रहे हैं तो आप जा करके एमएसपी पर बेचिए, एमएसपी पर जाने पर वो लेता ही नहीं है, एमएसपी पर जाएंगे तो वो लेता ही नहीं, बोलता कि आपके अनाज में क्वालिटी नहीं है, हम नहीं दे सकते, उसमें साफ सफाई नहीं है। किसान क्या करे, वो फिर वापस आता है, फिर से वापस आता है, और फिर वो अड़ती और दलाल को कम दाम पर उसे बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। और यही हिस्सा है और यही सबसे बड़ा कारण है कि देश का लगभग 70% जो किसान आबादी है 94% बाहर बेचती है, जबकि 6% जो होती है एमएसपी पर बेचते हैं, जिनके अच्छे अनाज हैं, मोटे अनाज हैं और क्वालिटी वाले अनाज हैं तभी बेचते हैं। एमएसपी पर कानून लाने का मकसद ये है कि एमएसपी पर अगर कानून आता है तो एमएसपी पर जो मूल्य यहाँ पर है बाजार भाव में भी वही मूल्य हो, चाहे कोई दलाल खरीदे, चाहे कोई अड़ती खरीदे, या कितना भी बड़ा कोई दलाल खरीदे, लेकिन उस दाम पर एमएसपी से कोई ज़्यादा नहीं खरीद सकता। लेकिन मार्केट में ये है, जब तक कानून इस पर नहीं आ जाता एमएसपी पर बाहरी मंडियों में भी उसी दाम पर बिल्कुल भी नहीं बेचा जा सकता। अगर नीचे बेचा जाएगा अगर कानून आने के बाद तो किसानों को इससे बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। किसानों को अगर आप पूरी तरीके से पूरी को एमएसपी कर दीजिए, एमएसपी में आप चाहते हैं कि अगर किसानों की आय दुगनी हो जाए तो एमएसपी सभी मूल्य कर दीजिए, बाजार भाव में भी वैसे ज़्यादा भी कम, लेकिन ज़्यादा कम नहीं हो सकता, ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता बाजार भाव में, ये किसान ये चाहते हैं। लेकिन किसानों का सबसे बड़ा विद्रोह यही है कि अगर एमएसपी पर अगर कानून नहीं आता है तो हमें बाजार भाव में उससे कम दाम में देना पड़ता है मजबूरन। आप इसको कानून तय करिए कि कोई भी कम अगर लेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, किसान ये चाहते हैं। लेकिन हमारे देश के जो नेता हैं वो इस बात को समझ नहीं रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। मैं मानता हूँ कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, लेकिन एमएसपी खत्म नहीं होगी इसका क्या मतलब है, एमएसपी तो कल भी खत्म नहीं थी, कल भी और आने वाले समय भी खत्म नहीं होगी, लेकिन किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी। अगर बाजार भाव में भी एमएसपी की तरह अगर एक रेट नहीं मिलेगा तो बाजार भाव में उससे कम पर बेचा जाता है मजबूरन, और आप एक तरीके से ले भी नहीं रहे हैं, और दूसरी तरफ बाजार भाव में एमएसपी के जो आप यहाँ अपने सहकारी मंडी में जो दाम रखे हैं वो बाजार भाव में वही दाम बिल्कुल नहीं रख रहे हैं, जबकि
नहीं रखने से कम दाम में अनाजों को बेचा जा रहा है, उससे किसान घाटे में जा रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट करती है कि 42,480 हर साल की तरह इस तरह रिपोर्ट में आत्महत्याएं होती हैं। जिस प्रकार से कंपनी ने एक पेन का दाम अगर फिक्स करके रखा हुआ कि 5 रुपये, आप उसी तरीके से किसी अनाज को किसी भी, चाहे एनसीआर, चाहे मंडी में, सहकारी मंडी में, चाहे बाजार भाव में, इस अगर टमाटर का दाम अगर 20 रुपये है तो 20 रुपये ही कर दीजिए, ताकि किसान जो है इसको 10 रुपये पर बेचने पर मजबूर ना हो जाए। अगर आप इस गोभी के अगर 20 रुपये किलो है तो आप एमएसपी पर आप इसको 20 रुपये करिए, एक नियम बनाइए कि हर जगह जहां भी होगा इसकी क्वालिटी। अब नेतागण ये कहते हैं कि क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आप इतने बड़े कानून बना सकते हैं लेकिन क्वालिटी पर आप क्वालिटी करते हैं ना। बाजार में अगर जाएंगे तो ये पेन होगा 5 रुपये का, तो इससे अच्छा वाला मिलेगा 7 रुपये का, 10 रुपये का, इसमें भी क्वालिटियाँ बहुत हैं, तो इसमें भी क्वालिटियों के कानून बनाए जा सकते हैं। अगर कम क्वालिटी का है तो आप इसको कम दाम में कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का है तो अच्छे बढ़ाकर दाम कर सकते हैं। लेकिन हमारे नेतागण काम करने की बजाय अपना झूठा दिलासा दे रहे हैं कि हम नियम नहीं बना सकते, जो अनाज है उसकी क्वालिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। आप अगर मॉल में जाएंगे तो 200 रुपये का कपड़ा भी मिलेगा कम दाम का, 250 का भी, 300 का ही, 400 का, वहाँ पर आप बिल्कुल भी दाम का कंसेशन नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से किसान ये भी चाहते हैं कि बाहरी मंडियों में हमारा जो अनाज है उस पर जो है एक कानून बने। एमएसपी तो है, एमएसपी सहकारी मंडियों में है जहाँ पर कम दाम में नहीं लिया जाता, बाहरी मंडियों में भी ऐसा नियम कानून बने उसके ऊपर कि वहाँ से कम दाम में नहीं खरीदा जाएगा और ना कोई बेचेगा। अगर बेचेगा तो उसके ऊपर लीगली तरीके से कार्रवाई की जाएगी। उसी तरीके से टमाटर, अनाज जितने सारे हैं उसको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस की तरह सभी की कर दीजिए, ताकि कोई भी कम दाम पर भेजेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन हमारे देश के जितने भी नेता हैं वो इस बात को समझ नहीं रहे हैं। आज के दिन में ही 3 बजे लगभग ये बैठक होने वाली है और अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और ये बात को समझने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि आखिर किसान किस तरीके से अपने एजेंडे को शामिल करने के लिए किस प्रकार से किसानों के लिए बिल लाई है, और वो भी किसानों से बिना पूछे। ये कहती है भंडारण का नियम लाया, भंडारण के नियम तो बिल्कुल है ही नहीं। लोग जो हैं पहले से ही वितरित तरीके से दूसरे स्थानों पर बेचते हैं और वही कानून सरकार लाई है, इसमें कोई चेंजेस करने वाली बात ही नहीं है। सरकार ने बस इतना ये कह दिया कि आप एमएसपी पर उसमें बेच सकते हैं, वो बेचते ही हैं, लेकिन इसको बाजार भाव में मंडियों में क्यों नहीं लाती। मंडियाँ इस तरीके से भी खत्म हो सकती हैं, क्योंकि अगर एमएसपी पर अगर है, अगर उसका कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है तो बाजार भाव में भी उससे नीचे और ज़्यादा जाए तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। अगर नीचे जाएगा तो कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, ऊपर की तो बात ठीक है, वो अपने फायदे की है, तो इसका कोई मूल्य नहीं रह जाता, एमएसपी का कोई भी मूल्य नहीं रह जाता। इसकी तुलना आप बाजार भाव में क्यों नहीं करते कि अगर नीचे पे अगर बेचा जाएगा तो कानूनी कार्रवाई होगी, और इस तरीके से बाजार पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब है कि किसी दाम को निश्चित नहीं किया जाएगा कि अगर इस दाम से नीचे जाते हैं तो आपको कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और इस तरीके से बाजार भाव जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अगर ये नियम आ जाए एमएसपी के ऊपर, न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर, कि बाजार भाव में भी अगर जो गेहूं है 20 रुपए किलो है तो 20 रुपए किलो से नीचे नहीं जाएगा, कभी नहीं बेचा जा सकता। अगर आपको ऊपर बेचना है तो आप ऊपर बेचिए, लेकिन ये नियम हमारे केंद्र की सरकार बिल्कुल भी नहीं समझ रही है। उल्टे हमारे किसानों को बोल रही है कि आप नियम को समझ नहीं रहे हैं। अरे किसान वो जो वर्षों से खेती करते आया वो नियम को क्यों नहीं समझेगा? उसको शौक थोड़ी चढ़ाया है कि 100 किलोमीटर दूर जाके घर से दूर एक वहाँ पर आंदोलन करें, ऐसा किसी को शौक नहीं चढ़ा है। पंजाब के किसान हो या हरियाणा के किसान, वो अलग बात है, लेकिन किसी भी किसान को ये अच्छा नहीं लगता कि वो घर से अपनी खेती किसानी छोड़ करके सैकड़ों किलोमीटर दूर जा करके वो आंदोलन करे, सरकार के खिलाफ उतरे और सरकार का विद्रोह करे। आज वही समय है, सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि आखिर किसान किस मुद्दे को लेकर आखिर आया हुआ है। आपने एमएसपी खत्म नहीं करने की बात की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने एमएसपी को पूरी तरीके से बाजार भाव में एक ही रेट में नहीं उतारा, इस पर कानून का विद्रोह है और बाजार भाव पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, क्योंकि बाजार में कोई भी एक रेट फिक्स नहीं है जिस तरीके से आपके सहकारी मंडियों में रेट फिक्स है। और दूसरी बात, सहकारी मंडियों में सबसे बड़ा रीजन ये है कि आज देश का 6% किसान जो है केवल सहकारी मंडियों में बेचता है। इसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि आपके सहकारी मंडियों के जो दलाल, जो अधिकारी हैं, भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, वो दलाल हैं और वो मक्कार हैं। आज देश का किसान लगभग 82,000 किसान जो आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, तो आपके अधिकारी की वजह से और आपके अधिकारी भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से हमारे देश का किसान का जो है एमएसपी पर बिल्कुल बिक नहीं पाता और उसको बाजार भाव में कम दाम पर बेचना पड़ता है।
इस मूल्य को आप अगर 25 रुपए का तो 25 रुपए पर ही खरीदेंगे, लेकिन इसको आप कम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर नियम नहीं है। किसान ने अगर जितनी लागत लगाई उसको इस पर फायदा नहीं होता है। बाजार मंडियों में कोई नियम नहीं होने के कारण इसको कम दाम में भी बेचा जा सकता है, लेकिन ये बाजार में भी ये पेन मिलता है 5 रुपए का, ये 5 रुपए में आप 4 रुपए में नहीं खरीद सकते, जबकि इसको अगर 5 रुपए किलो तो आप इसको 4 रुपए करा सकते हैं। ये नियम कहता है, किसान ये चाहते हैं कि आप इसके ऊपर न्यूनतम समर्थन मूल्य लाएं, चाहे टमाटर हो, गोभी हो, बैंगन हो, या फिर आलू हो, या प्याज हो। उसी तरीके से अनाजों के ऊपर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य लाएं कि उससे कम दाम पर बेचने पर सभी को कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।